जी दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ अंकुर एंटरप्राइज में। जी आप देख सकते हो बहुत सारी मशीनरी जो शिप रिलेटेड मशीनरी है आपके ऑफर पर, आपके कारखाने में या कहीं भी चीज जो आप कोई बिजनेस छोटा मोटा करना चाहते हो उसमें यूजफुल मशीनरी आपको यहाँ पे अंकुर एंटरप्राइज में मिल जाएंगी। हाँ दोस्तों, और अभी हमारे साथ है अंकुर एंटरप्राइज के ओनर। जी सर, कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाइए। जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम कुणाल सोनी है। हाँ जी सर, ये जो आपकी शॉप है उनका परफेक्ट एड्रेस क्या रहेगा सर? मेरा शॉप का नाम है अंकुर एंटरप्राइज और इसका एड्रेस है प्लॉट नंबर 451 त्रापज अलंग रोड अलंग पावनगर। जी सर, हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहेंगे जैसे कि आपके पास अलंग रिलेटेड कौन सी मशीनरी मिलेगी? मेरे वहाँ लेथ्स है, शेपिंग्स है, ग्राइंडर्स है, मिलिंग्स है, देन बोरिंग्स है, रेडियल ड्रिल्स है, पिलेट ड्रिल्स है, जनरली सारी टाइप्स की मशीन है रहती है जो भी टूल रूम के पर्पज में काम लगती है अपने यहाँ। और सर एक क्वेश्चन और, हाँ जी, हमारे पास जितनी भी मशीनरी मिल रही है वो सब शिप ब्रेकिंग यार्ड की है कि बाहर की भी है? कुछ मशीनें बाहर के इंपोर्ट के भी करता हूँ मैं, मेरा अहमदाबाद में भी वेयरहाउस है एक, ठीक है, उधर मेरा इंपोर्ट का बिजनेस है और इधर मेरा शिप ब्रेकिंग यार्ड का भी है, तो कितना माल मैं इधर भी डंप करता हूँ और कितना उधर भी रखता हूँ मैं, दोनों जगह अलग अलग डिफरेंट रहता है सब, बट मिक्सअप भी ऑलमोस्ट दोनों जगह मिक्सअप रहता है, इधर लेस है, शेपिंग्स है, ग्राइंडर्स है, मिलिंग्स वगैरह है, वो सब ज्यादा मेरा चलता है इधर, तो इधर मैं वो सब चीजें रखता हूँ ज्यादातर। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहेंगे सर ये कौन सा मशीन? ये लेथ मशीन है। और इनका काम क्या रहता है सर? इनका इंजन वर्क के लिए काम रहता है, कोई भी छोटा मोटा पार्ट्स बनाना हो, कुछ भी करना हो तो इनके लिए इनकी जरूरत रहती है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग यार्ड ले लो, कोई भी चीज में ले लो, नॉर्मल पार्ट्स के लिए जरूरत रहती है इनके। और अपने पास तो बहुत सारे लेथ मशीन पड़े हैं। हाँ जी, सब अलग अलग होगा? हाँ जी सर, ऑल आर द लेथ मशीन ओनली, सब लेथ मशीन ही है। और अगर अप्रोक्स प्राइस की बात करें तो हमारे पास ये कहाँ से स्टार्ट होगा सर? मेरे वहाँ अप्रोक्सीमेट लेथ की प्राइस देखने जाए तो 1 लाख से 4 लाख की सब अलग अलग डिफरेंट रेंजेस अवेलेबल है, फिर डिपेंड ऑन मशीन है एंड मशीन लेंथ है, अगर मशीन की लेंथ बड़ी है तो उसके प्राइस हिसाब से ज्यादा रहेंगे, बट जनरली जो 1 मीटर की रेंजेस है वो इधर से स्टार्ट होती है 1 से 4 लाख तक। ये नेक्स्ट मशीन कौन सा है? ये मेरे पास टूलिंग कटर ग्राइंडिंग मशीन है। और ये सर, ये टूल ग्राइंडिंग करने के लिए इन हाउस के लिए यूज होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कोई भी टूल को ग्राइंड करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए यूजफुल रहता है सर। और नेक्स्ट मशीन? ये सब सरफेस ग्राइंडिंग मशीन्स है, ये है, ये है, ये है, ये कोई भी सरफेस को, कोई भी प्लेट्स वगैरह हो, कोई भी मटेरियल हो, उसको सरफेस करना हो, उसको एक लेवल लाना हो, तो उसके लिए ये चीजें यूज होती है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आती है, डिपेंड ऑन द मशीन्स है, सारे अलग अलग ब्रांड्स है, ये कोई करना हो उसके लिए सरफेस ग्राइंडिंग यूज होती है सारी। ये गियर टेस्टर मशीन है, फिर ये गियर शार्पनर मशीन है, फिर ये मिलिंग मशीन है, ये भी मिलिंग मशीन है, डिफरेंट डिफरेंट सारी मिलिंग मशीन है मेरे वहाँ, कोई यूनिवर्सल होगी, कोई वर्टिकल होगी, यूनिवर्सल में जनरली दो टाइप के वर्क हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है एंड वर्टिकल वर्क भी हो सकता है, ये सब अलग अलग मेरे पास ब्रांड्स पड़ी है। हाँ जी, ये सोल्ड हो चुकी है, तो ये पैकिंग हो गया, ये मिलिंग मशीन ही थी भैया, विद डिवाइडिंग हेड थी ये, तो फुट ये सारी पिलर ड्रिल्स मशीन है मेरे वहाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, कुछ साइडवेज होगी, कुछ फिक्स होगी, सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की पिलर ड्रिल मशीन है ये सब। देन वी कैन से, अगर ये मशीन के बारे में अपना आता है तो पूरी स्लाइडवे है, ये मिलिंग का भी वर्क कर सकती है अपने यहाँ और ड्रिलिंग के भी कर सकती है, ये दोनों चीज का बेसिकली काम कर सकती है अपने। कौन सी कंपनी का सर? ये ताइवानीज कंपनी का है अपने वहाँ, ये दोनों ड्रिल कम मिलिंग का वर्क कर सकता है, ये स्लाइड वे जो है उसकी जो बेड वगैरह वो मूव हो सकती है। ये सारी मेरे पास छोटी पिलर ड्रिल्स है, कुछ छोटा वर्क करना हो तो, ये पिलर ड्रिल्स में भी अलग अलग साइजेस वगैरह रहती है, डिपेंड ऑन दी मशीन है, कोई 20 mm की रह गई, कोई 32 mm की रह गई, कोई 38 की रह गई, कोई 50 की रह गई, डिफरेंट डिफरेंट ये पूरी वेरिएशन है मेरे वहाँ। अप्रोक्स डिपेंड ऑन द मशीन है, कोई 7,000 की हो गई, कोई 10,000 की हो गई, कोई 15 की हो गई, कोई 35 की हो गई, डिपेंड ऑन द मशीन है। हाँ जी, मशीन की कंडीशन के ऊपर, मशीन की साइज के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीजें, फिर ये डिफरेंट ये सब जो भी है, ये भी लाइक पिलर ड्रिल्स, ये सब हैवी ड्यूटीज में है, ये सब हैवी मशीन्स है, लाइक यू कैन से ये प्रोमा जैसा बोल सकते हैं इसको, फिर WMW की है, मेरे पास अभी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स है। फिर अपने ये मशीन्स के बारे में आते हैं तो ये पूरी दोनों रेडियल मशीन्स है,
ये इस पे आर्म लेंथ पे डिपेंड करता है एंड ड्रिलिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है चीज। फिर ये भी है, ये भी रेडियल ड्रिल्स को बोला जाता है। सर इसमें अगर प्राइस और कंपनी की बात करें, कौन सी कंपनी है? ये इकेडा जापानीज कंपनी की है भैया। हाँ जी, इसका ड्रिलिंग कैपेसिटी 75 mm है। और सर ये शिपका है कि नहीं? ये शिपका नहीं है, इम्पोर्ट का पीस है। हाँ जी। और ये सब मशीनरी की अगर हम एप्रोक्स डिपेंड ऑन दी मशीन है, कोई 2 लाख की रहेगी, कोई 2.5 लाख की रहेगी, डिपेंड ऑन दी आर्म लेंथ है। आर्म लेंथ अगर जितनी बड़ी आप चाहो तो 14 लाख तक की भी मशीन से रेडियल मिलती है। जैसे वो 3 मीटर आर्म लेंथ होगी तो 14 लाख तक की भी मिलती है मेरे वहाँ। सारी मेरे वहाँ अलग अलग डिफरेंट 1 मीटर की मशीन है, डिपेंड ऑन दी मशीन है। सेंट्राइड सबकी अलग अलग है, सबकी 1 मीटर ही है जनरली। ये मशीन 1.5 मीटर की है, ये मशीन भी 1.5 मीटर की है। ये मशीन सबसे ज्यादा हाँ जी गुजरात के बाहर ही जाती है ज्यादातर हमारे कस्टमर का। यस, मेरे ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर्स रहते हैं, ज्यादातर साउथ की पार्टीज रहती है, गुजरात की रहती है। डिपेंड ऑन द मशीन और रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बाहर भी जाते हैं मशीन मेरे वहाँ, जनरली पुणे है, महाराष्ट्र साइड के ले लो कोई भी जगह, फिर अहमदाबाद ले लो, डिफरेंट डिफरेंट सब जगह से आती है मेरी। और एक क्वेश्चन, हाँ जी, अगर समझिए आपके पास से कोई भी बंदा कोई भी मशीन ले, हाँ जी, तो आपका टेक्निकल सपोर्ट कैसा रहेगा? मतलब छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो आप? तो उसके लिए मैं बंदा सपोर्ट कर देता हूँ उधर। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अपने लेते हैं बड़ौदा, मेरे कोई मशीन गया, अगर वो बंदा मेरे को बोलता है कि भैया मेरे वहाँ ये प्रॉब्लम आई है, तो मेरे को कोई टेक्नीशियन नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको वो चीज प्रोवाइड करता हूँ, उसकी जगह पे वो बंदा पहुंच जाएगा, उसका पे आउट खाली उसको पे करना रहता है, बाकी सब मेरी तरफ से उसको मिल जाता है। ये सब अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स है, कोई जर्मन ब्रांड हो गई, कोई ताइवानीज ब्रांड हो गई, कोई जापानीज ब्रांड हो गई। ये सब 2 मीटर की रेंजेस है मेरे वहाँ, ये सब 2 मीटर की मशीन है। और अगर आपके ख्याल से बात करें तो ये इनकी आवर्धा मतलब आयुष्य कितना रहता है कोई भी बंदा ले जाने के बाद, आपको क्या लगता है? मेरे कितने सेटिस्फाइड कस्टमर्स है। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वीक की बात करता हूँ, तो लास्ट वीक एक बंदा आया था मेरे वहाँ 2002 से मशीन लेके गया हुआ है, बट अभी तक वो बंदे को कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं आया। वो लेथ भी लेके गया था, एक मिलिंग भी लेके गया था, 2003 से अभी तक वो यूज कर रहा है, उसको कोई लाइक कोई प्रॉब्लम, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बोले मैंने खाली ऑयल चेंज किया हो, बाकी कोई मैंने ना गियर बनाया ना कुछ भी। यानी इंपोर्टेंट मशीन जो अपने देखे जाए, जो सीप में इंपोर्टेड सी निकलती है सारी, तो उसकी आयुष्य जो अपने बोलते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग ही रहती है, उसके कोई लाइक देखना नहीं पड़ता है। वन टाइम उसको खाली लाइक यूज करना अच्छा होना चाहिए, जो उसका बंदा जो भी हो टेक्नीशियन यूज करने वाला वो अच्छा होना चाहिए, तो उसको उसकी जो लाइफ है वो बढ़ती रहेगी, वो डिक्रीज नहीं होगी जल्दी। और एक बार अगर हमारे कोई सब्सक्राइबर आपको कॉलिंग टाइम मतलब कॉल करे तो कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा? जिस मॉर्निंग 9 to evening 6 जी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप इनको कभी भी कॉल कर सकते हो, और आपको इमेज के साथ और डेमो के साथ आपको प्राइस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरी अहमदाबाद जो ब्रांच है उधर का एड्रेस भी बता दीजिए ना। उधर अहमदाबाद B38 स्वागत इंडस्ट्रियल एस्टेट बाकरोल इंदौर हाईवे पे है, अहमदाबाद कटवाड़ा से आगे है। मेरे एक यूट्यूब पे मेरी खुद की भी चैनल है जहाँ मैं रनिंग मशीन्स की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, अंकुर एंटरप्राइज मशीनरी करके है। उधर मेरी लाइक नियर अबाउट 65 to 70 मशीन्स है, वो सब हैवी VTLs है वगैरह सब, मैं खुद ही उसको मैं बनाता हूँ वीडियो, और वो प्रोवाइडेड है उधर, उस पर आपको देखने मिल जाएगी अगर रनिंग आपको देखनी हो तो मशीन्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम।